नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्यारे से प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे साथ कारी साहब हैं। अभी कारी साहब हमारे क्लिनिक के सामने से जा रहे थे तो हमने इनको दो पल रोक लिया। हम वीडियो शूट करने जा रहे थे तो हमने कहा क्यों ना वीडियो शूट करने का काम अपने कारी साहब से शुरू करा जाए। तो हमने इनको रोक के इनसे इल्तजा करी, इनसे रिक्वेस्ट करी कि जो भी आप इतने दिनों से हमारे बारे में सोच रहे हों, समझ रहे हों, एक बार अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो कारी साहब ने इनकार नहीं करा, हम लोग की विनती को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया और ये हमारे क्लिनिक रुक गए। अब बाकी की बात कारी साहब के साथ। और यह कारी साहब मैं बता दूँ 500 बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। इनकी एक संस्था है नदवे से जुड़ी हुई, तो उसमें 500 बच्चों को ये लोग निःशुल्क कापी पेन सब कुछ देते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो अब बाकी की बात हमारे कारी साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज डॉक्टर साहब से मुलाकात होकर बेहद खुशी और मसर्रत हुई है। और डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यार भरे अंदाज में हमको बुलाया और हम डॉक्टर साहब की बात का इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि डॉक्टर साहब की खिदमात और इनका आगे का मामला जो है बहुत बढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं और याद ही रखेंगे अल्लाह ने चाहा तो, ऊपर वाले ने। डॉक्टर साहब का ये क्लिनिक जो है अपनी एक अलग पहचान रखता है और इस क्लिनिक से लखनऊ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़े हुए हैं। और एक अज़ीज़ हमारे रिश्तेदार भी हैं जो बाकायदा डॉक्टर साहब से दवा बम्बई मंगवाई गई, उनको अल्हम्दुलिल्लाह शिफा हुई, वो ठीक हुए। असल में मामला ये है कि डॉक्टर साहब की जो दवाएं हैं वो दिल से दी जाती हैं, खुलूस से और प्यार से, तो ऊपर वाला जो है उसमें फिर शिफा रख देते हैं दवा में। तो डॉक्टर साहब की जो दवाएं हैं ये पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं और ख़िदमत का जज्बा भी है, ख़ास तौर से हमने देखा। हम उन प्रोग्रामों में हर साल शरीक हो रहे हैं, डॉक्टर साहब की बुलाने पर आते हैं। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ये ऐसे प्रोग्राम हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पर उन दोनों दिनों में तकरीबन 10 लाख रुपए की दवा बांटते हैं, जो ख़िदमत खल्क के तौर पर और बग़ैर किसी मज़हब के तफरीक व मिल्लत के कोई हो, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सबको डॉक्टर साहब की तरफ से दवाएं फ्री दी जाती हैं। और वो दवाएं जो होती हैं वो बड़ी पेटेंट दवाएं होती हैं, जो लोग ले जाते हैं वो बाद में उसका तज़किरा करते हैं, बरसा बरस सालों उसका तज़किरा रहता है। काफ़ी लोग हमसे मिलते रहते हैं और डॉक्टर साहब की खिदमत का एतराफ़ करते रहते हैं और ये हम तो कामनाएँ और दुआएँ देते हैं डॉक्टर साहब को कि इनकी सेहत लंबी हो, उम्र दराज हो, ताकि इस तरह की खिदमात जो हैं लोगों के लिए हमेशा के लिए कायम और दायम रहें और आगे बढ़ते रहें। डॉक्टर साहब का हलका जो है बहुत वसी है और तमाम हमारे इस शहर के लोग भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, सब जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर साहब जो हमारे हिंदुस्तान की मानी जाने वाली हस्ती जो है और यहाँ के सदर भी रह चुके हैं और यहाँ के साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, वो डॉक्टर पीजी अब्दुल कलाम साहब से भी बड़ी मोहब्बत और ताल्लुक़ डॉक्टर साहब का हमेशा से रहा, आज भी उनका ताल्लुक़ है बहुत ज़्यादा और वो उनके लिए दुआएं करते रहते हैं और हम लोग भी दुआ करते रहते हैं कि एक इस हिंदुस्तान के अंदर जो है इस तरह की खिदमत खल्क करने वाले और लोगों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखने वाले आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरे फितन में भी मौजूद हैं। लोग देखना नहीं चाहते हैं, अगर देखना चाहें लोग तो खुली आंखों से तजुर्बा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आज एक ही मंच पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम बैठे हैं और इसी तरह के प्रोग्राम डॉक्टर साहब 12 पूरे साल में कई मरतबा कराते रहते हैं, कोई एक दो प्रोग्राम नहीं है, ये हज़ारों प्रोग्राम है डॉक्टर साहब के।
आज भी मतलब पे कोई आता है और वो बताता है अपने आप को गरीब, तो डॉक्टर साहब की दवा तरफ से फ्री दवा होती है उसके लिए। और हमारे भी कई ऐसे मरीज हमारे जानने वाले आए जिनको हमने खुद भेजा है, डॉक्टर साहब ने उनके लिए हमेशा रियायत रखी है और उनके लिए एक प्यार भरे अंदाज में डॉक्टर साहब की दवाएं जब जाती हैं तो उनको शिफा भी मिलती है, वो अच्छे होते हैं। और याद रखिए कि सबसे अहम काम जो है वो किसी को ज़िंदगी बख्श देना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी की ज़िंदगी दाव पर लगी हो, बीमार हो और हर तरह से उसकी उम्मीदें टूट चुकी हों, और फिर वो एक बार डॉक्टर साहब की मतलब का रुख इख्तियार करता है, वहाँ पर आता है, उसको शिफा मिल जाती है, तो उसके दिल से आप पूछिए कि वो कितनी दुआएं डॉक्टर साहब को देता होगा, ये हम और आप जानते हैं सब बखूबी, और लोग भी जानते हैं। और इसी तरह से हम इसलिए ये बेजा और बेतकल्लुफ़ ये बातें कह दे रहे हैं कि हम भी एक खिदमत का जो है सोसाइटी संस्था चला रहे हैं, हम भी 17 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। किसी की गरीब लड़की की शादी है, ठेला देना है, सिलाई मशीन देना है, या इलाज में कुछ ताउन करना है, या उसकी दवा फराहम कराना है, या सर्दी में लिहाफ है, कंबल है। ऐसे ही हमारे पास एक शख्स आया और उसने कहा कि क्या गैर मुस्लिम हैं हम, हिंदू हैं, क्या हमें भी लिहाफ मिल जाएगा? तो मैंने कहा भाई एक बात ये बताइए कि आप इंसान नहीं हैं? तो बेचारा वो रो पड़ा और उसको हम लोगों ने फिर लिहाफ दिया सर्दी में। तो इंसानियत के लिए जो जो काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमेशा से रहे हैं लोग और हमेशा रहेंगे। और ये हिंदुस्तान हमारा जो मुल्क है ये एक ऐसा खुशबूदार मुल्क है कि इसकी खुशबू हमेशा जो है लोगों को अपनी तरफ ललचाती है और दिल को लुभाती है। और डॉक्टर साहब ने वो काम शुरू कर रखा है इस खिदमत के ज़रिए से कि चले थे हम तन्हाई, लेकिन जब हम जो है हमने खिदमत खल्क की तो हम आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया। तो आज एक इतना लंबा और इतना बड़ा वसी हलका डॉक्टर साहब से जुड़ा हुआ है, और शहर के तालीम याफ्ता लोग और यहाँ तक कि हमारे डिप्टी स्पीकर और डिप्टी जो हैं वो डॉक्टर दिनेश शर्मा साहब जो वज़ीर आला है यहाँ पर, वो भी जुड़े हुए हैं। हम लोग भी उनका बड़ा एहतराम करते हैं और उनसे बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। और ये हमारे इस शहर की जो हैं वो एक आन है और वो एक उम्मीद हैं, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। तो आप जानते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का ताल्लुक जो है उसी लाइन से होता है, तो उसी लाइन के लोगों से बहुत मोहब्बत और बड़ा अंदाज होता है उनका, एक आपस में मेल जोल का। तो ये इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के लिए हम बड़ी दुआएं करते हैं और हम चाहते हैं कि ये खिदमत का खल्क का जज्बा और इंसानियत के लिए हर तरह से डॉक्टर साहब हर मैदान में खड़े हैं और लोग इनके साथ भी खड़े हैं, हम भी इनके साथ हैं, हम दुआएं करते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी इस तरह के मतलब का बारे में जो भी मालूमात हो आपको खुले तौर पर और दिल से जो है आप मालूमात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको यहाँ से नाउम्मीद ही नहीं होगी, आप यहाँ से उम्मीद लेके जाएंगे और इंशाल्लाह आपको यहाँ से फ़ायदा होगा। ये हमारा दिल बोलता है और हम तजुर्बा कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि इस छोटे से मतलब से अल्लाह ताला पूरे हिंदुस्तान की खिदमत ले रहा है ऊपर वाला, और ऊपर वाला जिसको खिदमत के लिए तैयार कर सकता है वही खिदमत कर सकता है। अगर ऊपर वाला ना चाहे तो एक पत्ता ज़मीन पर नहीं गिर सकता है। बस हम दुआएं करते हैं इतनी सी छोटी सी बातों के लिए और डॉक्टर साहब की सेहत के लिए, आफ़ियत के लिए, इस मतलब के लिए, कि अल्लाह तमाम शुरू और फितन से और तमाम चीज़ों से इस मतलब को महफूज रखे, हसद से, जलन से, और यहाँ पर सेहत हो और आफ़ियत हो, यही हमारी कामनाएं और दुआएं हैं। और आप सबको हमारी तरफ से नमन है, नमस्ते हैं और दुआएं हैं, आपको सलाम है हमारी तरफ से तमाम लोगों को। ये हमारे आने का हमारे समझिए एक सुनहरा मौका था और डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत मसर्रत हुई, हम इनको बहुत मुबारकबाद देते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज का दिन साथियों देखिए कारी साहब के साथ सफल हो गया। मैं थोड़ा सा बदनाम रहा हूँ कि अपने से उम्र में थोड़े तजुर्बे में ज़्यादा लोगों से दोस्ती करता हूँ। थोड़ा कभी कभी मेरे साथी मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तुम अपने लोगों बीच नहीं बैठते हो, अपनी उम्र के लोगों भी थोड़ा उनसे बुजुर्ग लोगों से, उनसे थोड़े से उम्र दराज तजुर्बेकार लोगों से साथ रखते हो, लेकिन आज यही साथ मेरा वसूल रहता है
और कारी साहब ने इतनी अच्छी बातें कही, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करूँगा इनकी उम्मीद कभी ना टूटे, कोशिश करूँगा आपकी उम्मीद कभी ना टूटे। और जो सेहत का कारवा है, हिंदुस्तान जो इस समय बहुत दिक्कत से स्वास्थ्य की जूझ रहा है, उसमें जो हम लोगों की तरफ से होता है वो करा जाएगा। एक बार पुनः मैं कारी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी विनती इन्होंने एक्सेप्ट करी और चलते चलते ये रुक के दो पल हमारे क्लिनिक आ गए। और अब हम लोग आगे के वीडियो शूट करते हैं कारी साहब को शुक्रिया अदा करते हुए इस खूबसूरत से लम्हे के लिए। बहुत मुबारक।